दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद से लगातार बीजेपी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल किए और इस बार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को सीधा चिट्ठी लिखी और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई तीखे सवाल किए। चलिए आपको बता दें कि पहले उन्होंने क्या सवाल किए। सबसे पहला सवाल केजरीवाल ने लिखा, आप सब ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। इस कानून का खूब प्रचार किया गया और इसी कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे कद्दावर बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया। अब अमित शाह जी का कहना है कि वो कानून मोदी जी पर लागू नहीं होगा, क्या इस पर आपकी सहमति है? क्या सबके लिए कानून का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? दूसरा सवाल, 28 जून 2023 को मोदी जी ने एक सार्वजनिक भाषण में एक पार्टी और उसके नेता पर 70,000 के घोटाले का आरोप लगाया और कुछ दिन बाद उस नेता के साथ सरकार बना ली और उसी नेता जिसको कल तक भ्रष्ट कहते थे उसे मुख्यमंत्री तो छोड़िए उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे कई मामले हैं जब दूसरी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया। क्या आपने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? ये सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता? तीसरा सवाल, देश भर में तरह तरह के लालच देकर या फिर ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और दूसरी पार्टियों की सरकार को गिराया जा रहा है। क्या इस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराना देश के लोकतंत्र के लिए सही है? किसी भी तरह की बेईमानी करके सत्ता हासिल करना आरएसएस या फिर आपको मंजूर है? चौथा सवाल, बीजेपी वो पार्टी है जो आरएसएस की कोख में पैदा हुई। ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि अगर बीजेपी पथ भ्रमित होती है तो उसे सही रास्ते पर लाए। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री जी को गलत करने से रोका? जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस एक तरह से बीजेपी की माँ है। तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ को आंख दिखाने लगे? मुझे पता चलता है कि नड्डा जी के इस बयान से आरएसएस कार्यकर्ताओं को बहुत आहत हुआ है। मुझे पता चलता है कि नड्डा जी के इस बयान ने आरएसएस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को बहुत आहत किया। देश जानना चाहता है कि उनके बयान से आपके दिल पर क्या गुजरी। जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 21 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आतिशी दिल्ली की कमान संभाल रही हैं क्योंकि वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तब से उन्होंने कई बार यही कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही हैं और वो हैं अरविंद केजरीवाल। मंगलवार को भी वो सीएम बनने के बाद पहली बार कन्नौट प्लेस की हनुमान मंदिर पहुंची, तब भी उन्होंने यही कहा कि उन्होंने यही दुआ मांगी कि केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने।